दोस्तों, मैं हूं कुनिका और आप देख रहे हैं कुनिका व्लॉग्स। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं रेडी हो चुकी हूं और क्रिस्टी भी रेडी हो गई है। बस क्रिस्टी के पापा रेडी होने के हैं, फिर हम लोग जा रहे हैं आज लॉन्ग ड्राइव पे। काफी टाइम बाद हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं क्योंकि आज का मौसम बहुत अच्छा है और बहुत सुबह से मन कर रहा था कि कहीं घूमने जाना चाहिए, पर क्रिस्टी के पापा का ऑफिस था तब तो हम नहीं जा सकते थे। अब वो ऑफिस से आ गए हैं, शाम हो चुकी है, पर कोई नहीं, शाम को भी बहुत अच्छा लगेगा घूमना। तो हम लोग कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाते रहूंगी, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। अब हम लोग निकल चुके हैं घूमने के लिए, पर हुआ क्या है, अंधेरा हो गया। थोड़ा सा अभी रोशनी रहती तो अच्छा रहता, सूट करने के लिए मिल जाता ज्यादा कुछ। अब अंधेरे में पता नहीं, जहां तक लाइट है वहां तक तो सही रहेगा, फिर उसके बाद पता नहीं मैं सूट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, पर जितना मुझसे बनेगा मैं सूट करूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी हम लोग कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। अंधेरे में तो अब समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे, पर चलो ठीक है, फिर भी कोई ना, जहां जहां जाएंगे वहां वहां दिखाएंगे। आज तो बस आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, वो भी देखेंगे कहीं मिल जाए आइसक्रीम तो आइसक्रीम खाएंगे आज तो। और क्रिस्टी क्या खाएगी, क्या खाओगी? मैंने क्रिस्टी का एक शॉर्ट वीडियो डाला है यूट्यूब पे, आप उस पर जाकर जरूर देखिएगा। उसका बारबी वाला है वो वीडियो, उसको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था, हंसने लगी थी वो उसमें स्पेशली, तो आप लोग भी देखिएगा। और हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम लोग जाना चाहते थे लॉन्ग ड्राइव पे, पर अंधेरा हो गया है, तो लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे वैसे भी मैं कुछ सूट नहीं कर पाती, इसलिए हमने सोचा मंदिर चलें। तो ये मंदिर है, मैं आप लोगों को अंदर जाके अच्छे से दिखाऊंगी, मैं यहाँ से दिखा नहीं पा रही हूँ। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है, घूमने लायक है। और वैसे भी मंदिर सारे अच्छे ही लगते हैं और मंदिर में आके सुकून भी अच्छा ही मिलता है। अब अंदर जाते हैं और फिर मैं आपको अंदर से मंदिर दिखाऊंगी, ये बहुत प्यारा मंदिर है, चलिए आप लोग मेरे साथ। ये बाहर से मंदिर का लुक देख लीजिए आप लोग, बहुत बड़ा मंदिर है, अंदर भी काफी है, मैं अंदर जाके दिखाऊंगी। और ये बहुत ज्यादा बड़ा है, अंदर तो और भी ज्यादा बड़ा है, अंदर पूरा तो नहीं घूम पाएंगे अभी रात में, पर जितना घूम पाएंगे उतना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मंदिर की एंट्री है, देखिए कितनी शानदार है ये मंदिर की एंट्री है, बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। क्रिस्टी और उसके पापा आगे चले गए, मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ, तो मैं रुक गई यहीं पर। कुछ गड़ गया क्या, देखिए है ना, अभी तो आज भीड़ बहुत कम है, नहीं तो ज़्यादातर तो भीड़ होती है। यहाँ प्रसाद वगैरह ले सकते हैं आप, जो भी चीज़ चाहिए। गार्डन बहुत अच्छे से मेंटेन है यहाँ पे, देखिए मंदिर यहाँ से पानी जा रहा है, यहाँ से और ये यहाँ तक जा रहा है, शेषनाग जी है वहाँ पे, वहाँ तक जा रहा है। बाप रे कितना ठंडा पानी है, ये देखिए, ये सामने से लुक देखिए मंदिर का, कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, देखिए आप लोगों को जूम करके मंदिर के अंदर के दिखा रही हूँ भगवान जी को, क्योंकि यहाँ हम लोग मास्क भूल चुके हैं गाड़ी में और बिना मास्क के हम अंदर नहीं जा सकते, इसलिए मैं आपको बाहर से ही दिखा रही हूँ। जय मंदिर प्रांगण में ये सरोवर टाइप से बनाया गया है, मंदिर के एंट्री से लेके जहाँ तक मंदिर का जो मेन गेट है वहाँ तक ये सरोवर आए हैं और ये फाउंटेन चल रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत अच्छा लुक क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है और ये है शेषनाग जी की गुफा, ये गुफा है,
यहाँ मैं बहुत बार जा चुकी हूँ, अभी तो नहीं जाऊंगी मैं। अंदर थोड़ा सा अंधेरा भी रहता है और पानी भी रहता है। ये गुफा है, शेषनाग जी की गुफा है। यहाँ से सामने से एंटर होते हैं और शेषनाग जी की जो पूंछ होती है वहाँ एग्जिट निकलता है। अंदर गुफा काफी लंबी है, वहाँ तो मैं अभी तो नहीं जा रही हूँ, कभी दिन में आई तो फिर जाऊंगी, तब दिखाऊंगी आप लोगों को अंदर से। बाकी ये मंदिर का पूरा लुक है, ये फ्रंट है, ये फ्रंट एरिया है। बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर भी, अभी यहाँ बंद हो गया, कुछ टाइम पहले खेल रहे थे वो झूले में सब लोग, अब लास्ट ऐसा है तो बंद हो रहा है क्योंकि, तो ये लास्ट टाइम था झूला का, अब बंद हो चुका है ये भी। और यहाँ पे कुछ लोग पिकनिक मना रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है मंदिर आकर आप बैठे हैं और कुछ टाइम मंदिर में गुजार रहे हैं, बहुत सुकून वाला टाइम होता है वो, बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी जगह है ये। हम यहाँ खिलौने की दुकान में आए हैं, क्रिस्टी के लिए कुछ खिलौने देखते हैं क्रिस्टी और उसके पापा, बहुत सारे खिलौने हैं यहाँ पे, सॉफ्ट टॉयज भी हैं, देखते हैं क्रिस्टी को कौन सा पसंद आता है, उसके लिए कुछ अच्छा सा ले सकें तो जिससे वो खेल सके, अदरवाइज वो खिलौने से नहीं खेलती, अपने रुमाल से ही खेलते रहती है। बहुत अच्छी दुकान है, देखते हैं क्या क्या मिल सकता है। यहाँ सारे सॉफ्ट टॉयज है, की रिंग्स है, मैं इसलिए तो नहीं मांगता उनसे भैया, अल्फाबेट्स मिल जाएंगे। अच्छा हाँ दिखा दीजिए, ये इनकी शॉप है, नंबर्स है ना, ये नंबर्स भी तो है, ये कितना प्यारा लग रहा है, ये कितना प्यारा लग रहा है, चिड़िया का घोंसला कितना प्यारा लग रहा है ना, ये बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत सारे खिलौने हैं यहाँ तो, हालांकि हम लोग आ गए हैं मंदिर के बाहर और खिलौने की शॉप में गए थे, मैंने दिखाया आपको सॉफ्ट टॉयज थे वहाँ पे, हमने सोचा क्रिस्टी के लिए कुछ ले लें, तो वहाँ से हमने एक सॉफ्ट टॉय लिया है उसके लिए, वो उसी को खेल रही, नीचे फेंक दिया उसने, और नंबर्स लिए हैं, लेटर्स लिए हैं, वो मैं आपको घर जाके दिखा दूंगी क्या क्या लिया है। फिलहाल तो बस आप ये देखिए, ये छोटी सी क्यूट सी टेडी है, छोटी सी चिड़िया, उसको उसको यूं यू करे तो आवाज आ रही है, क्रिस्टी उसको बहुत ध्यान से देख रही है, देखिए क्रिस्टी को कितने ध्यान से देख रही है पहले वो शुरू शुरू में डर रही थी पर अब उसको अच्छा लग रहा है, अब उसके साथ खेल रही है वो, अच्छा है कि घर जाके भी उसके साथ खेलेगी। नहीं बेटा रुको, नीचे मत गिराना, बस अब लोग अब घर के लिए निकल रहे हैं, जाते जाते कुछ आइसक्रीम खाने का मन है तो आइसक्रीम खाएंगे, पर बाहर रह रहे यहाँ पे थोड़ा ठंड लगने लगी है, अब देखते हैं। हम लोग घर पहुंच चुके हैं, क्रिस्टी सो गई थी इसलिए मैंने रास्ते में कुछ सूट नहीं किया, आइसक्रीम भी ले लिए, घर लेकर आ गए, यहीं पे आके खाएंगे। और जिस मंदिर में मैं गई थी वो मंदिर बहुत खूबसूरत था, बहुत बड़ा भी था, जो मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि रात हो चुकी थी। अगली बार जब भी मैं जाऊंगी तो बाकी जितना मैं छोड़ चुकी हूँ आज मंदिर को उतना वो सारा दिखाऊंगी, दिन में दिखाऊंगी, आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आएगा। और बहुत प्यारी जगह है, बहुत बहुत सुकून मिलता है मंदिर में जाके, बहुत सुकून मिलता है। आप लोग भी देखिएगा मेरे वीडियोस को, और मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।